माताजी अगर आपको कहते तंबाकू नहीं खाओ, गुस्सा नहीं करो, अभी गुस्से की दवाई दिया नहीं किसी ने, दिया गुस्सा करता है पति, माताजी गुस्सा करते, उसकी दवाई है, उसकी दवाई आपको पहले दे दिया लेकिन बताया नहीं, गुस्सा छोड़ने की दवाई दी है, लिया आप लोगों ने, सुनन मुझे गुस्सा कैसे छोड़े, उसकी भी दवाई आपको दिया, कौन सी, एक मुरली के पॉइंट 8 दिन जेब में रखो, 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, 2-3 दफा सवेरे शाम दूसरों को सुनाओ, 8 दिन करो, फिर मुझे बताना कि गुस्सा गया कि नहीं है। गुस्सा बेहोश में आता है, होश से जानबूझ के नहीं करते, बेहोश, दुनिया में जो बेहोश होता है उसको बूटी सुंघाते हैं, तो ये मुरली संजीवनी बूटी है, जेब में रखो, बार बार सुंघाते रहो, सवेरे दिन में शाम को, अपने आप सारा दिन में होश में रहेंगे, जहां होश है वहां बेहोश से काम नहीं होगा, क्रोध को जीतना चाहते हो तो ये दवाई है, 8 दिन करके बताओ, देखो क्रोध अपने आप आपको छोड़ के जाएगा, क्योंकि आपने क्रोध को बुलाया नहीं है, कैसे आया नहीं है, उसकी निवारण चाहिए, तो बाबा हर चीज की विधि बताता है, तो ये करके बता सकते हो, कर सकते हो, एक मुरली का सदा, 1 महीना नहीं खा, कम से कम 8 दिन, आपके इच्छा के अनुसार जो आप चाहते हो, 1 मुरली के पॉइंट लिख के अपने पास रखो, कम से कम 3 दफा सवेरे दिन में शाम, 3 दफा शरीर को खाना खिलाते हो, 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, और सारे दिन में किसी 1, 2, 3, 4 कम से कम 1 या 2 को आज के मुरली के पॉइंट आपको औरों को सुनाना है, ये 3 कंडीशन अगर 8 से 10 दिन करते हो, देखना क्रोध आपको छोड़ के कहां चला जाता है, जहां से आया वो अपने आप चला जाएगा, कानपुर वाले करके बता सकते हैं।